मोटरसाइकिल वाले जो बाइक वाले कहाँ कहाँ से घुसेड़ के निकाल देते हैं जल्दी जल्दी, देखा है आपने? ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी को ब्लड डोनेट करने जाना है, ऐसे दौड़ेंगे। और आपने देखो ट्रक वाले या कार वाले कितने शांति से जाते हैं आराम से, अंडरस्टैंड, बिकॉज दे थिंक अबाउट प्रिकॉशन, अबाउट सेफ्टी, दे फॉलो रूल्स ऑफ रोड, एम आई राइट? ओके, चलो अब उसके बाद आ गया आपका वुड। क्या है वुड? पहले एक चीज़ और समझ लें, कुड के दो यूज़ होते हैं। कुड का जो दूसरा यूज़ है वो होता है रिग्रेशन। जब हम खेद प्रकट करते हैं, क्या करते हैं? खेद प्रकट करते हैं, तब भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। कुड का दूसरा यूज़ है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा मैं आपकी मदद नहीं कर सका, तो क्या हो जाएगा? आई कुड नॉट हेल्प यू। जैसे आप कहते हो पिछले साल आप चाह रहे थे अंग्रेजी सीखना, आप नहीं सीख सके, तो आप ये खेद की बात हो गई आपके लिए, ये पश्चात आपके लिए प्रायश्चित की बात हो गई कि मैं अंग्रेजी नहीं सीख सका, तो क्या हो जाएगा? आई कुड नॉट लर्न इंग्लिश। मैं आपको नहीं मिल सका। जैसे फिल्मों में देखा है हीरो कई बार जो है हीरोइन मर जाती है, फिर हीरो उसकी कब्र पे जाता है और कहता है मुझे क्षमा कर दो अंजलि, मैं आपसे शादी नहीं कर सका, मैं आपको नहीं बचा सका। तो पता चला कि मान लो कहीं अंजलि निकले आए कब्र में से और उठ के एक चांटा दे, अब आया नालायक इतने दिनों से क्या कर रहा था, ठीक है? तो पर ऐसा होता नहीं अक्सर, फिल्मों में आपने देखा होगा कि एंड टाइम पे एक्टर पहुँचा ही जाता है। अच्छा, गुंडा भी एकदम से नहीं मारता, जैसे अपने यहाँ लड़ाई होती है बेसिकली, तो लोग क्या करते हैं मार के भग देते हैं, दौड़ लगा देते हैं, कुछ भी मारा, पत्थर मारा, लाठी मारी, दौड़ लगा दी। फिल्मों में बड़े तरीके से लड़ाई होती है, पहले एक्टर अपनी शर्ट उतारेगा, फिर ऐसे ऐसे कर करके कुछ देखेगा, ठीक है, फिर उसको मारेगा ढिशुम। अच्छा, एक्ट्रेस को भी मारेगा तो ऐसे नहीं मारेगा कि सीधा बंदूक चला दी और भाग गया, उसकी कनपट्टी पर लगा देगा बंदूक और बोलेगा अब बोल, अब बोल, तेरा आशिक आएगा तुझे बचाने के लिए। फिर उसके बाद अपन दो सीन बताएंगे, इधर कनपट्टी पे बंदूक लगी है, उधर भी दौड़ते हुए और आए उधर से, अपन को सब पता रहता है कि बंदूक नहीं मार पाएगा, आएगा एक्टर उसमें लात मार देगा ऐसे करके, तो आएगा वो सीधा, वो बंदूक नहीं चल पाएगी और उसमें किक मार देगा, लात मार देगा, बंदूक दूर फेंका जाएगी और फिर घंटा की लड़ाई होगी। अरे नालायक मार मूर ना है तो मार दे फटाक से, क्या मतलब? लेकिन फिर फिल्म का क्या मतलब अगर ऐसे मार देगा, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, कुछ एक्टर तो ऐसे होते हैं, किसी बिल्डिंग में मान लो किसी एक्ट्रेस को गुंडों ने पकड़ लिया तो वो कांच फोड़ के आ जाती उनकी गाड़ी, सीधी वहीं पहुँचती, उनको पता है कि यहाँ किडनैप किया है। व्हाट अ ग्रेट एंटरटेनमेंट दे हैव, क्या मनोरंजन करते हैं, ठीक है? और उसी के लिए हम देखते हैं, कुछ कुछ तो 12-12 बजे रात तक फिल्में देखते रहते हैं। आप लोग देखते हो? नहीं देखते? बहुत अच्छी बात है अगर ज़्यादा नहीं देखते तो। कल एक लड़की से पूछा मैंने कहा कितनी देर तक कब उठते हो, बोले सुबह 9 बजे उठते हैं। हमको सोते कब हो, बोले 2 बजे। मैंने कहा इसके बीच में करते कब? मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा पढ़ाई करती होगी, बोले सर टीवी देखते हैं। टीवी में कुछ सीखा इतने दिन में आपने? टीवी में कुछ नहीं सीखा, टीवी में सीखने जैसा कुछ आता ही नहीं, टीवी में सब नकली मनोरंजन का आता है ना? ओके, चलो उसके बाद हम बात करते हैं बुड। बुड बुड जो है बिल का पास्ट है, लेकिन इसका प्रयोग हम रिक्वेस्ट करने के लिए और आदमी की पसंद नापसंद जानने के लिए करते हैं। जैसे कि इसका है वुड यू लाइक, इसका मतलब है क्या आप पसंद करेंगे, क्या आप पसंद करेंगे, तो क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक टी? यस आई वुड लाइक। किसी से आप पूछोगे तो ये पूछना पड़ेगा, जैसे आप किसी से बोलते चाय पियोगे, बोलते हैं कि नहीं? चाय पियोगे, खाना खाओगे, ठीक है? आप बोलते हैं क्या खाना पसंद करेंगे, कोई मेहमान आता है तो पूछते हैं कि नहीं? देखो ज़्यादा अगर नया मेहमान है तो फिर पूछते नहीं है कि क्या खाओगे, पर जैसे आपका जो पुराना मेहमान है जो आता जाता रहता है आपके घर में, पुराना गेस्ट है, तो उससे हम पूछ लेते हैं। फ्रेंड्स लोग जब आपस में होटल में जाते हैं तो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मीनू बुलवाएं, क्या खाओगे, है ना? मीनू चार्ट बुलवाते हैं, फिर उसमें से फाइनल करते हो। तो वुड यू लाइक, है ना, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या चाय पीना पसंद करोगे, क्या चाय पीना पसंद करोगे? यस आई वुड लाइक।
अगर किसी से पूछना है कि आप मेरे साथ नाचना पसंद करेंगे तो क्या पूछेंगे? वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, यानी कि सीधा हाथ पकड़ा और शुरू हो गए। अपने यहाँ तो डांसिंग का पैटर्न वही है, या तो सामने वाले को धक्का मार देते हैं या खींच लेते हैं। वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, क्या आप नाचना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू डांस, क्या आप गाना गाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू टॉक टू मी, क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे? एनी प्रॉब्लम? आप क्या लेना पसंद करेंगे? वाट वाट वुड यू लाइक टू हैव, वाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे? वाट वुड यू लाइक टू हैव, आई वुड लाइक टू हैव ए ग्लास ऑफ प्लेन ग्लास ऑफ वाटर। अगर वो कहता है कि मुझे तो बस एक ग्लास पानी चाहिए, आई वुड लाइक टू हैव ए प्लेन ग्लास ऑफ वाटर, प्लेन आई वुड लाइक टू हैव ए प्लेन ग्लास ऑफ वाटर, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? एक ग्लास सादा पानी चाहिए, ठीक है? या आई वुड लाइक टू टेक टी, बोल सकते हो। एनी प्रॉब्लम? इतना काफ़ी है आज के लिए, है ना? फिर बाद में बना लेंगे वुड लाइक टू, और माइट का, मस्ट का, शुड का एक और बना लेते हैं, मस्ट का, ठीक है? मस्ट मतलब क्या होता है? जरूर चाहिए। मतलब ये है कि कोई भी काम करना चाहिए तो शुड का प्रयोग करेंगे, परंतु कोई भी काम करना ही चाहिए तो क्या करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो। आपको रोड के नियमों का पालन करना ही चाहिए, यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ रोड, यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ रोड। आपको रोड के नियमों का पालन करना ही चाहिए, यस, आपको रोड के नियमों का पालन करना ही चाहिए। आपको, ठीक है, आपको डॉक्टर से सलाह लेना ही चाहिए, यू मस्ट कंसल्ट विथ डॉक्टर, यू मस्ट कंसल्ट विथ डॉक्टर, ओके? एनी